जय भारत मेरे दोस्तों। हमारे पैनल में आज मेरे इस तरफ मौजूद हमारे सौरव नायर भाई जो कि NSUI के जनरल सेक्रेटरी है, और मेरे इस तरफ ईसा भाई जो कि हमारे कांग्रेस के सिटी कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, और मैं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष। मैं आप सभी मीडिया कर्मी के कर्मियों को और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस शुभ अवसर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने युवाओं के लिए खासकर कुछ ऐसा ऐलान किया है जो वाकई में काबिले तारीफ है, और इस शिवरात्रि के शुभ अवसर को और ज़्यादा शुभ कर दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में युवाओं के लिए कुछ ऐसे मुद्दों को हमारे मैनिफेस्टो में ऐड किया गया है जो कि युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको पता होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले साल सितंबर 7 तारीख 2022 से शुरू हुआ था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गया, और उसका सेकंड पार्ट जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो हम बोलते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो जो है मणिपुर से शुरू हुआ था 14 जनवरी से लेकर अभी मार्च 14 तारीख तक ये चलने वाला है जो कि अंत होगा गुजरात में। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे राहुल गांधी जो हमारे नेता है वो सभी लोगों से 1-to-1 कांटेक्ट उन्होंने किया, और पूरे देश में चलने के बाद में सभी लोगों से डायरेक्ट मिलने के बाद में उनको काफ़ी सारे मुद्दों पता चला, काफ़ी सारे प्रॉब्लम का पता चला, लोगों ने अपनी तकलीफें अपनी परेशानियां उनके साथ में शेयर किया, और इसी से हम लोगों को ये एक आउटपुट मिलता है कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। इसी बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नेता ने हमारे राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसको हम बोलना चाहेंगे युवा न्याय। ये युवा न्याय क्या है मैं आपको बताऊंगा। युवा न्याय न्याय में आप सभी को मीडिया कर्मी भाइयों को मैंने एक पेपर दिया है जिसमें हमने 5 गारंटीज दिया है कि अगर कांग्रेस का सरकार आएगा तो ये 5 गारंटीज में हम काम करेंगे। ये गारंटीज क्या है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला गारंटी है भारतीय भरोसा। ये भारतीय भरोसा है, इसमें हम 30 लाख जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जनरेट करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में फिलहाल एट प्रेजेंट सिचुएशन में 10 लाख पोस्ट खाली है। ये 10 लाख पोस्ट क्यों नहीं मोदी सरकार ने भरा? आपको पता होगा कि 2014 में जब बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रहा था तब उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया। 10 साल सरकार चला, 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी जो है उनको आज दे देना चाहिए था, जो कि मोदी सरकार ने फुलफिल करने में एकदम नाकाम रहे। तो उसी के सिलसिले में ये भारतीय भरोसा हाल फिलहाल में 10 लाख रिक्त पद जो खाली है उसको भरने का काम करेगी, और भी उसके साथ साथ 20 लाख और पोस्ट जो है हम जनरेट करेंगे एकदम दिया हुआ समय के अनुसार। उसको कहते हैं भारतीय भरोसा। अगला है पहली नौकरी पक्की। दूसरा गारंटी जो हम बोलते हैं पहली नौकरी पक्की, ये पहली नौकरी क्या है मैं बताऊंगा। राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 में बनाया गया था, जिसमें हमने हमारे कांग्रेस के सरकार ने कुछ ऐसी स्कीमें लाई थी जिसमें हम आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग्स इंटर्नशिप सारे डिपार्टमेंट में देते थे और एक निर्धारित समय तक आप लोगों को काम मिलता था, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में जो है ये जो बेनिफिशियरीज है ये घटकर सिर्फ केवल 8 लाख तक सीमित रह गया। तो हमने ऐसा एक सेगमेंट टारगेट किया है जिसमें बेनिफिशियरीज इंक्लूड होकर इंक्रीज होकर 50 लाख युवाओं को जो है पहला डिग्री जिसके पास में होगा या पहला डिप्लोमा होल्डर जो भी होगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेगा। एज लिमिट है अप टू 25 इयर्स तक, जो भी युवा जिसके पास में डिग्री हो जिसके पास में डिप्लोमा होल्डर हो उनको गारंटीड अप्रेंटिसशिप मिलेगा, और वो कोई भी सरकारी संस्था या जाके प्राइवेट कंपनी में जाकर अपने काबिलियत के हिसाब से अपने स्किल के हिसाब से ज्वाइन कर सकता है, और उसमें 1 लाख तक आपको फायदा होगा जिसमें मिनिमम 8,500 प्रति माह आपको एज अ स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये गारंटी हमारी सरकार देती है। अगला है पेपर लीक से मुक्ति। आपको पता होगा पिछले 10 सालों में 41 बार 41 टाइम्स जो है पेपर लीक हुआ है,
जो भी सरकारी नौकरी निकलता है, नौकरी निकलने के पहले बच्चों को एग्जाम देकर ही उसमें जॉब मिलेगा, लेकिन वो बच्चे एग्जाम देंगे कैसा? एक फिक्स सेक्टर है, एक फिक्स सेगमेंट है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास पावर है, उन लोग क्या करते हैं, पेपर को लीक करवा देते हैं और उनके ही बच्चों को उसमें नौकरी मिलती है। तो ये जो पेपर लीक का जो मामला है, आपको पता होगा भाई, यूपी में भी जो है ये 60,000 पोस्ट जो निकला था यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस में, उसमें भी जो है लगभग 48 लाख ने यूथ्स ने जो अप्लाई किया नौकरी के लिए, उसमें भी पेपर लीक होने के कारण इस पूरे के पूरे पद को जो है खारिज कर दिया गया। और उसमें एक एक बच्चों से, आपको पता होगा जब 48 लाख बच्चे जो भरे हैं पोस्ट में, एक एक बच्चे का आप सोच लीजिए 400 से 500 रुपए जो है उन्होंने उसने अपना पेमेंट करके फॉर्म एप्लीकेशन को फिल किया है, तो कितना बड़ा ये एक स्कैम है, कितना बड़ा ये एक स्कैम है। तो इसीलिए पेपर लीक से मुक्ति ये हमारी कांग्रेस सरकार की गारंटी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। इसका अगला मैं चलता हूँ, चौथा सबसे अहम जो है युवा रोशनी। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं जिसमें हम लोगों को बेनिफिट्स मिलता होगा, ठीक है, लेकिन ये बेनिफिट जो एक लिमिटेड सेगमेंट को, अगेन एक लिमिटेड सेगमेंट में मिल जाता है, जिसके पास पैरवी करने का ताकत होता है, एक आम इंसान तक, आम युवा तक ये जो है स्कीमें पहुँच नहीं पाती है। तो हम एक एडिशनल 5,000 crore का एक एडिशनल कॉर्पस फंड जनरेट करेंगे, जिसमें हर स्टेट में इस फंड को इक्वली डिवाइड किया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसमें जो है बच्चे जो है, युवा जो है, अपने काबिलियत के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जो है लोन प्राप्त कर सकते हैं, उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपना बिजनेस को सेटअप कर सके। सबसे लास्ट और सबसे अहम चीज, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। ये गिग इकोनॉमी क्या है? ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं टेम्प्ररी सर्विस जो बोलते हैं। जैसा मैं, अगर मेरे पास कुछ चीज़ का स्किल है, सोच लीजिए मुझे कारपेंट्री आता है, मुझे पेंटिंग आता है, तो मैं एक ऐप में एनरोल करता हूँ। आपको पता होगा ये चलता है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऐसा जिसमें आप ऑनलाइन घर पे बैठ के बुक कर लेते हो। आप खाना जो है, आपको अगर खाना होता है, डिनर ऑर्डर करना होता है, तो आप सीधे ऑनलाइन में ऑर्डर कर लेते हो। आपको राशन ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर लेते हो। जो लोग इस सर्विस में जुड़े हुए, जैसे जोमैटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, ये जो है गिग सेगमेंट बोलते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे कोई सोचता नहीं है। इनका एक तो सैलरी कम होता है, प्लस इनका लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता। मान लीजिए फूड डिलीवरी करने वाला आपके घर आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसका परिवार का कौन ध्यान रखेगा? इसीलिए इस खासकर इस सेगमेंट के लोगों के लिए हमने कई सारे बेनिफिट्स को इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, और ये हम गारंटी देंगे। जैसे आपको पता होगा, तेलंगाना में जैसे ही हमारा सरकार बना, तो हमने इनके लिए जो है 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हमने, हमारा सरकार बनते साथ हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये राजस्थान में भी, आपको पता होगा राजस्थान में भी जब पिछले बार हमारा सरकार था, इसी तरह हमने कई सारे उनके सुरक्षा के लिए हमने कई सारे स्कीमें और उन बेनिफिट्स के लिए हमने लॉन्च किया था, जो कि अभी फिलहाल बीजेपी का सरकार आते साथ बंद कर दिया गया। और आपको पता होगा कि जयपुर में और राजस्थान में इसको लेकर स्ट्राइक भी चल रहा है। आपको पता होगा कि मनरेगा जो कांग्रेस के सरकार ने शुरू किया था, मनरेगा में क्या है, मिनिमम 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये गारंटी हम देते थे कोई भी पंचायत, खासकर ये जो है गाँव वालों के लिए था। मनरेगा स्कीम में हर साल मिनिमम 100 डेज कोई भी इंसान जो है अनएम्प्लॉयमेंट से जूझेगा नहीं, एक गारंटीड वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट था जिसको बीजेपी सरकार आते साथ जिसको बंद कर दिया। तो ये हम इस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा काम करना चाहेंगे। बस ये 5 पॉइंट के बारे में ही, 5 गारंटीज के बारे में ही मैंने आज बताने के लिए आप सभी को यहां पे बुलाया है। हम ANTCC, अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी, प्रदेश यूथ कांग्रेस, NSUI और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कांग्रेस पार्टी का, हम इस गारंटी का हम खुलकर समर्थन करते हैं। और हम आने वाले चुनाव में आप सभी दर्शकों से, आप सभी वोटरों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट दे, हमारे कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। और हमारे सिर्फ ये जो लड़ाई है ये हमारी कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। आप कांग्रेस को वोट दोगे तो ये देश बदलेगा, और देश बदलेगा, युवाओं का भविष्य बदलेगा, और केवल युवाओं के भविष्य ही नहीं है, आपके घर का भविष्य भी बदलेगा। या आप अपने लिए वोट करिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और हम लोगों को विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।